Hi guys, how are you? Assalamu alaikum. I hope it's a happy, healthy video family. Thank you so much for coming to you, person, my home, brother, sister, girl, boy, and everyone. Thank you so much. But my heart, my beautiful Jito family. सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ बड़े ही भाई बेदर्द कह दें, जालम कह दें, या फिर कह दें कि बहुत अमीर लोग कह दें, या फिर ये कह दें कि बड़े यूट्यूबरों का बड़ा ही बढ़ चढ़ कर जो है नशा सर के ऊपर बैठ कर जी जूतों पे जूते मार रहे जी जी। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जी बाबर की। बाबर को भी वैटी पे बड़ा पसंद किया जा रहा, लेकिन बाबर और बाबर के साथ नजमा और नी नजमा ने कहा अपनी वीडियो में कि बाबर मेरा बचपन से ही बड़ा ही चहीता चहीता बच्चा है, जो मैं कहती हूँ वो करता है। जी जी जी, जो वो कहती है बाबर को बाबर वो करता है। जिसने भी 440 420 आंटी नजमा की वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा ये हुआ, नौशी मुल्तानी जो बिग यूट्यूबर हैं वो गई हैं जी कहाँ पर, जी जी जी, वो गिफ्ट लेकर पहुंची हैं जी ट्रेन में, ट्रेन में पहुंची और कहा जी अंदर आ जाओ जी, बैठ जाओ जी, ये कर लो जी, वो कर लो जी, ठीक हो गया। नौशी मुल्तानी सिस्टर का एक बहुत बड़ा दिल है, जो वो गई जाकर उन्होंने सितारा यासीन के लिए गिफ्ट दिया, गिफ्ट देकर वो आराम से बंदी आ गई, गिफ्ट दिया। उसके बाद ही उन्होंने काफी बैग भर का जो था वो चिप्स थे, उसमें केक थे, उसमें कुकी थी, उसमें एक बॉटल भी नजर आई है, वो स्प्राइट या सेवन अप जो भी होगी वो थी। उसके बाद ये बड़ा टोंटबाजी, बड़ी उनकी बातों से हमें साफ साफ जाहिर हो रहा था बड़ी टोंटबाजी हो रही थी, जो बाबर की बीवी भी बोल रही थी आप ये चिप्स खा लें, आप ये खा लें, और जहां बार बार 440 बीसवीं आंटी आंटी नजमा चुड़ैया आंटी जी कह रही थी नोशी दे गई नोशी दे गई नोशी दे गई नोशी देगी, ऐसे ऐसे ऐसे, जहां पहले ये नोशी सिस्टर नोशी ये बोलती थी, लेकिन जी अभी तो नोशी 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 हो रहा था। अच्छा जी, दूसरी साइड पर अगर हम बाबर को भी देखें तो वो उसके मुंह से भी अक्सर हमने नोशी सिस्टर ही सुना था, लेकिन जी वो भी कह रहा था हाँ जी नोशी लेकर आई, नोशी ये लेकर आई, नोशी ये लेकर आई, नोशी है, नोशी कोई दूध पीती छोटी बच्ची है, सिस्टर भी कह सकते हो, ठीक है ना जी। कभी कोई इंसान रिएक्शन देता है, कोई ऐसे कहता है तो बता देते जी मरियम फहद ने ये बोला जी, नोशी से ये बोला जी, ठीक है, वो तो एक रिएक्शन ये चीज़ आती। लेकिन एक बंदी स्पेशल उठकर जाती है, डब्बे में पहुंचती है, और वहां पे उस बंदी को वो इज्जत वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो हमने इनके व्लॉग में देखा, जो जी 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 नब्बे नाक वाली 440 420ियां करने वाली औरत नजमा आंटी ने किया। ये वो नजमा आंटी हैं जो अपने इशारों पर सबको नचा रही हैं, दे दमादम धूम बंदर जैसे डुगडुगी बजाता तो कहता नाच बंदर तुझे कितना पैसा मिलेगा, वही काम हो रहा है बाबर के थ्रू। जो बाबा ने भी कहा नोशी नोशी ये लाई नोशी ये लाई नोशी ये लाई नोशी ये लाई, सिस्टर कहने से इनके मुंह में पड़ जाते हैं छाले कीड़े बग्स काकरोच सांप बिच्छू इनके मुंह के अंदर आकर डांस और डांस करते, इसलिए कहते हैं आख थू, हम ये नहीं कहते, हम खाली नोशी 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 कहेंगे। खैर जी, उठाए इनको और उनको उठाकर रखे एक साइड पे। हमारी नौशीन सिस्टर है चीती बंदी, दिल बड़ा किया, गई गिफ्ट देकर आई, आराम से चिल्लो चिल्लो उन्होंने अपनी लाइफ की जो हम सब ने देखी। उसके बाद आ जाते हैं जी, थंबनेल क्या लग गया है जी 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 जी, ये भी हमारे कादरी भाई कह दे या कौन से भाई कह दे जी, कराची पहुंच चुकी है कौन, सितारा। सितारा तो कराची ना पो जी, कदीर भाई क्या हो गया क्या हो गया, क्यों लोगों को गुमराह करते हो, ऐसे मत किया करो, ऐसे मत किया करो है। इन्होंने जी टोंट मारा था दिलबर को, क्योंकि दिलबर भी थमने लगा देता है और कुछ ना कुछ ओल फोल बकता है, क्योंकि उसके पास बकने के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचो तो शायद इसके दिमाग में भी कुछ नहीं है सवाए जी जी जी, बस दस सेट और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। इसके बाद ही अगर हम आगे चले जाते हैं तो सितारा अपनी माँ की अकलौती औलाद है, ये भला किसने लिखा था, ये किसने लिखा था बताएं मुझे, किसने लिखा था, किसने लिखा था, मैं बताती हूँ। मरियम फहद का थंबनेल देखा जी, उस पर भी ये लिखा हुआ था।
तो वैसे उनका कहने का मकसद बड़ा सही था, दूर की लाती है बंदी, दूर की लाती है और दे ठोकती, और दे ठोकती क्योंकि यही वो बंदी है सितारा यासीन जो अपनी माँ की अकेले ही टेक केयर करती है। जो सितारा यासीन ने वीडियो भी डाली, उसने भी कहा कि मेरी माँ जब वहां पर थी सोदिया में, लोगों के घर में बर्तन धोती थी, सब कुछ करती थी, सारी उम्र उसने मेहनत की है, सारी उम्र वो बाहर के काम करती रही, और मैं नहीं चाहती, मैं अपनी माँ को अपने पास रखना चाहती हूँ, उनकी टेक केयर करना चाहती हूँ, उनकी खिदमत खातर करना चाहती हूँ। जो लोग बीच में रोड़े डाले ना, रोड़े ए रोड़ा मारते, ओ रोड़ा मारते, ओ रोड़ा मारते, ओ रोड़ा मोर, वो रोड़ा अब पहुँच चुका है इस्लामाबाद, अब वहाँ पर जाके ये कौन सा ने कांड करेगी, कौन से ने कट्टे चट्टे बट्टे खोलेगी, और कौन से ऊँट किस किस करवट बिठाएगी, ये तो हम देखेंगे भाई आने वाले व्लॉग में। लेकिन सितारा ने आके इनके मुँह पर जो चांटों पर चांटे मारे ना, सबसे बड़े मजे की बात है भाई, सितारा का भी बाप फोत हुआ है, वो भी अपने बाप को मिस करती है, खाली इनकी अनोखी माँ तो फोत नहीं हुई ना, है ना भाई, माँ बाप तो सबके फोत हो जाते हैं, लेकिन उसको लाके रंडी रोना डालना लाइवों पे और फिर उसके बाद वीडियो में डालना, भाई इन लोगों का तो नए नए ड्रामे शुरू हो गए। तो जो असर नजुमा आंटी 420 ये आकर लाइव भी कर रही थी, साथ में वीडियो भी डाल रही थी, सामने थंबनेल भी लगा रही थी, साथ में ये भी वो भी, तो इस आंटी के ना पीछे चूदड़ों पे मारो, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, ऐसे हिप्स तो हैं बड़े मोटे उसके, OMG कहां हमने देखे, जब मोटरसाइकिल पे बैठकर थप करके आवाज आ गई थी खट करके, ओ माय गॉड। छोड़ो जी इन्नू भी पाओ मिट्टी, आगे चलते हैं। राबिया ने फोर सिस्टर वाली जो हैं, उन्होंने अपनी भाभी का जो चेहरा है, चेहरा मुबारक दिखा दिया चंद व्यू लेने के लिए, और कहा कि ये मेरी छोटी भाभी है, मिस्टेक हो गई, मिस्टेकली से चेहरा नजर आ गया भाई सामने ना, बड़ा कोचल भाई सामने, खुद तो वो नहीं आया लेकिन बीवी को आगे कर, क्योंकि बीवी ने चैनल बना लिया, इन्होंने कहा कि शक्ल वखा और पैसा कमा, है ना जी, तो वो ये हुआ है कि अब हुस्न का बाजार लगेगा, चेहरा सामने आ गया, छोटी भाभी का चैनल भी बन गया, चैनल पे वीडियो भी डाली जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा नकाब हटा दे, सामने आ जा और मैं लिख देती हूँ जी, नकाब हट गया। इन्होंने भी किसको कॉपी की, बड़ी बीबी को, बड़ी बीबी के जैसे व्यू है ना, दिन पे दिन कम 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 होते जा रहे हैं, वही है। अब उन्होंने नया क्या तमाशा किया, दुल्हन के लिए अबाया लेने निकल पड़ी, दुल्हन के लिए कभी नीला अबाया, कभी पीला अबाया, कभी काला अबाया, कभी कौन सा अबाया, और वहां पे एक मोटा सा आदमी पेट निकाल कर ऐसे खड़ा था और कह रहा था ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। भाई तुम दुल्हन को दे रहे हो या फिर दोबारा से सलमा को दुल्हन बनाकर ये अबाया उसको चढ़ाओगे और फिर उसका अबाया उतारोगे, तो यहाँ पे इनके ये बगैरतियां चल रही थी जब हमने इनकी वीडियो में देखा। वहां पे जी सलमा अबाये पहन पहन कर दिखा रही थी, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, अरे तुम बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तुम खरीद रही हो अबाया एक बच्ची के लिए, एक दुल्हन के लिए, तो तुम उसकी उस तरह की चीज खरीदो। लेकिन तमन्ना ने आके डाला पर्दा, माँ उसको फातिमा को इस तरह की चीजें, इस तरह की अबाय, इस तरह का कपड़ा, इस तरह का डिजाइन, इस तरह का गला, इस तरह के खुले खुले बाजू बहुत अच्छे लगते, ये सुन सुन के तो मुझे चक्कर आ गया। मैंने कहा ये क्या नए कट्टे खो रही है तमन्ना की बच्ची, दादाल की कच्ची। चलो जी बच्चों से याद आया, बच्चे भी बड़े बड़े खुशमा खुश थे, बच्चे भी हमारे लिए शॉपिंग आ गई, हमारे इस बैग में कपड़े हैं, बाप सोफे ठप करके बैठा हुआ था, तुम्हारे इसमें कपड़े नहीं है, पर बच्ची कह रही थी मेरे इसमें कपड़े हैं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बाद में फिर चौंकड़े मारे गए और फिर डाला गया चटाई और चटाई और बैठ के वहां पे खाए ढाबे और खाबे और फिर दुआ की और सितारा की और सितारा की माँ की नकल, भाई रो रही थी रेन रेन में खड़े होकर की तुम भी दुआ मांगो, तुम भी दुआ मांगो। बेटी ने एक ने तो ऐसे हाथ बांधे हुए थे, कोई दुआ शुआ नहीं मांगी, इसके भी अगर आप पिक्चर में हाथ देखे तो नीचे ही थे। बाद में फिर जाके डोर के पास खड़े होकर हाथ उठा के हो रहे क्या दुआ मांगी अल्लाह ही जाने अभी। लेकिन कॉपी किसको करती है, सितारा को, किसको, सितारा को। तो ये चीजें इनकी हम वीडियो से पकड़ते हैं और लाके आप लोगों के सामने पेश करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एक और बीबी, रोशना बीबी, अपने माँ बाप को बूढ़ी एज में कर रही है नंगा नंगा, उनकी इज्जत को मिट्टी में रोल रही।
रही है, उनको तबाह बर्बाद कर रही है। इसकी माँ ने इसको इस दिन के लिए ही लगता है पैदा किया था, अपना दूध पिलाया था, अपने पेट में रखा था कि ये कभी इसकी बच्ची पैदा होगी, दुनिया में आएगी, इसकी शादी होगी, अपने शोहर को बदनाम करेगी। जब शोहर को व्यू आना खम खम हो जाएंगे तो ये हम पर अटैक करेगी, उसको जो इसके माँ बाप हैं। सोखने लाकर माँ पे बैठा दी, बाप को जलील और रुसवा कर दिया, भाइयों को बेचारा बना दिया, खुद जो है एक तवाइफा बनकर अपने माँ बाप पे कपड़े उतार दिए, अपने शोहर को नंगा कर दिया, बनैन चड्डी बनियान सब कुछ उतार कर ओ मारा ते ओ मारा। लेकिन जब टिकटॉक पे हम जाते हैं तो वहां हम क्या देखने को मिलता है, वहां पे सुहागरात मनाई जाती है, बेड के ऊपर फूल डाले जाते हैं और शो किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि हस्बैंड जब फजर की नमाज पढ़कर घर वापस आता है तो बिस्तर में सजाती हूँ, हस्बैंड गरम गरम आता है, से सजाता है, ये सब बकवावा साथ ये करती है किस पर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब पे राइट वे आती है और अपने हस्बैंड को क्या करती, गालियां देती है। और ऐसी औरतों को जो दूसरी औरतें हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो सपोर्ट कर रही हैं, मैं उनको बोलूंगी ओपन द आईज, जो मैं हर वक्त कहती हूं, जाए दूसरी वेबसाइट पर जहां पे रोशना नाम की बंदी जो इस्लाम को भी बदनाम कर रही है, मिये को भी बदनाम कर रही है, माँ बाप के भी इज्जत को रुसवा कर रही है, इवन के अपने पूरे खानदान को ही नंगा कर दिया, और उन नंगा करके उनके पैसे, हराम पैसे खाए जा रहे हैं। और जो जो इसका साथ दे रहा है, इसकी वीडियो देख रहा है, वो भी गुनहगार हो रहा है, क्योंकि ये औरत, इसके माँ बाप इतने बूढ़े हो चुके हैं, उसके बावजूद अपने माँ बाप को क्या कर रही है, कैश, जो औलाद अपने माँ बाप की ना हुई, माँ बाप को रुसवा कर दिया, उस औरत की वीडियो देखने का तो तुक्की नहीं बनता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, खैर माँ बाप को नंगा कर रही है, हमारे थोड़े माँ बाप है, माँ बाप को गाली गलौज दे रही, हमारे थोड़े माँ बाप है, बाप को नंगा कर रही है, हमारा थोड़ा बाप है। तो बाप माँ बाप, माँ बाप ही होते हैं, इज्जत रिस्पेक्ट सबकी बराबर होती है। जब आप देखें कोई बंदी अपने माँ बाप के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाती है तो शक वो सच्ची स्टोरी है, झूठी स्टोरी है, जो भी है है, तो चैनल का मसला ना भाई, व्यू का मसला, पैसा पैसा करती है, पैसे के पीछे मरती है रोशना, जो कुछ दिन पहले कहती थी अमेरिका में बिजनेस, यहाँ बिजनेस, वहां बिजनेस, सारे बिजनेसों को लग गई आग, भाड़ में गए सारे बिजनेस, बैठ गई अब माँ बाप के कपड़े उतारने। जी गाइस, तो ऐसे औरत को क्या करना चाहिए, बायकॉट। लेकिन जो कहते हैं ना कोई बात नहीं, चाओ चैनल देखो, वीडियो देखो, चंद व्यू देखो, तो वो भी गुनाह कर रहे हैं एक गंदी औरत का साथ देकर। ये किसको फॉलो कर रही है, बीबी को। बीबी ने क्या किया, छोटी बहन को जलील किया। तो जो सच्चे सपोर्टर होंगे सितारा यासीन के, वो कभी भी रोशना या इस तरह की बंदियों का साथ नहीं देंगे, जितना मर्जी उनका ब्रेन वॉश किया जाए, सर्फ शैम्पू लोशन जो कुछ भी हो जाए लगा कर, फिर भी वो कहेंगे ना हम है सच्चे सपोर्टर सितारा के, ऐसी बंदी के पास नहीं जाएंगे, रोशना जैसी जो सितारा को भी जिसने बुरा भला कहा मत भूलो, मत भूलो, ये वही बंदी है, बिहाइंड द कैमरा ड्रामा करती थी, आगे आके नाचती थी, पीछे फिर जाती थी, फिर नचनिया नाचती थी कंजरियों की तरह, और लोगों को उर्दू और ते और रे में फंसा फंसा कर भिगो भिगो के मारती थी। तो अब क्या होगा, अब हम इसको मारेंगे और इसको बायकॉट करेंगे। चले जी, आज की तो ये गरम गरम रोस्टिंग थी, रिव्यू था, ब्रेकिंग न्यूज थी, जो भी समझ ले, ब्रेकिंग न्यूज या रिव्यू के साथ, चेक, लव यू एंड बाय गाइस।